तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। टोक्यो में जारी ओलंपिक 2020 खेलों में गुरुवार को भारत ने ओलंपिक को 41 साल बाद जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। एक समय भारतीय टीम मुकाबले में 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में भारत ने मुकाबले को 3-3 की बराबरी पर ला दिया और तीसरे क्वार्टर में भारत ने इस बढ़त को 5-3 करते हुए हद तक कांस्य सुनिश्चित कर दिया। यहां से जर्मनी ने एक गोल के अंतर को कम जरूर किया, लेकिन वह 5-4 की बढ़त से आगे नहीं जा सकी। जर्मनी को मैच के आखिरी मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इसे गोलची श्रीजन ने निस्तेज कर दिया और इसी के साथ पूरा भारत झूम उठा। कांस्य पदक पक्का हो गया। भारत ने आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में पदक जीता था, जो स्वर्ण के रूप में आया था। चौथे क्वार्टर की शुरुआत में ही जर्मनी ने पेनल्टी कॉर्नर को भुनाते हुए गोल दागकर भारत की बढ़त का अंतर कम करते हुए 5-4 कर दिया था। इससे पहले भारत ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में 2 गोल दागकर खुद को 5-3 से आगे कर लिया था और यह बढ़त क्वार्टर के खत्म होने तक बरकरार रही। एक समय भारत 3-2 से पिछड़ रहा था, लेकिन भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए खुद को आगे कर लिया। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर जबरदस्त वापसी करते हुए भारत ने 4-3 से बढ़त बनाई, तो थोड़ी ही देर बाद सिमरनजीत ने मैदानी गोल दागकर स्कोर को 5-3 कर दिया। इससे पहले भारत ने दूसरे क्वार्टर की समाप्ति पर मुकाबले को 3-3 से बराबरी पर लाया था।